शिवसेना पंजाब ने उत्तरी भारत प्रमुख एवं प्रदेश प्रभारी सतीश महाजन की अगुवाई में गत दिनों फतेहपुर प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेज गत दिनों प्रदेश सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री किशन कपूर द्वारा फतेहपुर आगमन पर स्थानीय अधिकारी वीडियो व मीडिया के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने पर कार्यवाही की मांग की थी, लेकिन 7 दिन के दिए गए अल्टीमेटम के बाद भी सरकार द्वारा कोई कदम न उठाए जाने पर दोबारा शिवसेना पंजाब के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव धनोली की अगुवाई में सरकार को फिर से ज्ञापन भेजकर 10 दिन के भीतर कार्यवाही की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर 10 दिन के भीतर वीडियो का निष्कासन रद्द नहीं किया जाता है, साथ ही मीडिया से माफी नहीं मांगी जाती है, तो शिवसेना पंजाब जिसके लिए जानी जाती है वो सारे साम दाम दंड भेद लगाती हुई आमरण अनशन पर बैठ जाएगी। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लोग सरकार क्षेत्र के विकास पर अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए चुनती है, न कि लज्जित होने के लिए। जैसा कि हिमाचल के मंत्री ने लोगों के सामने ही वीडियो व मीडिया से व्यवहार किया है जो कि सहन नहीं किया जा सकता। वहीं ज्ञापन सौंपने उपरांत राष्ट्रीय चेयरमैन राजीव टंडन ने कहा कि जिस अधिकारी ने मिलने का समय दिया था वो नहीं मिला, इसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोगों को कितना समय दे पाता होगा। वहीं अधिकारी द्वारा खुद समय न दे पाने की सूरत में तहसील परिसर में खूब नारेबाजी हुई। आज हमारा एक मतलब था यहाँ पे रमेश दत्त जी को हमने यहाँ के प्रमुख नियुक्त करना था। दूसरा यहाँ पे मंत्री साहब कपूर साहब जिनकी तानाशाही से पूरे लोग पूरा प्रशासन परेशान है। आज हम ये पूछना चाहते थे मंत्री साहब से मुख्यमंत्री साहब से कि लोकतंत्र में लोगों से चुनकर आप लोगों की समस्या सुनने के लिए मंत्री बनते हैं, ना कि तानाशाही करने के लिए। मंत्री का काम है सभी लोगों को इकट्ठे करके, मंत्री हम इसलिए बनाते हैं लोकतंत्र में कि हमारी समस्याओं को दूर किया जाए। मगर यहाँ पे राज्य की समस्या तो क्या दूर, राज्य के जो लोग सही कार्य कर रहे हैं उनको दूर करने जा रहे हैं। आज हमारी पहले यहाँ पे एक टीम आई थी, उन्होंने उसके खिलाफ एक धरना प्रदर्शन भी किया था, मगर यहाँ के प्रशासन ने मुख्यमंत्री साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमारी टीम एसडीएम साहब से मुलाकात करके 10 दिन का समय दे रहे हैं कि अगर 10 दिन के अंदर यहाँ के लोगों को, यहाँ की अफसरशाही को सही तरीके से डील करना जो मंत्री का काम होता है करते ठीक है, नहीं लोकतंत्र में लोगों को अधिकार है हम लोगों को साथ लेके, जो उनकी समस्या अगर सरकार से सुलझाई नहीं जाती, यहाँ के मंत्रियों से सुलझाई नहीं जाती, तो शिवसेना अपने तरीके से जो शिवसेना कार्यकर्ता करते हैं, क्योंकि शिवसेना अपना हक लेना जानती है। हमें किसी की मंत्री की या किसी की जरूरत नहीं है, हम फिर संविधान के अंदर एक अपनी धारा जोड़ देते हैं, फिर वो जोड़नी पड़ी तो जोड़ेंगे। इससे पूर्व रमेश दत्त कालिया को प्रदेश की कमान सौंपी गई। रमेश दत्त कालिया ने कहा कि आज शिवसेना ने पुतला फूंका था, मगर प्रशासन के आश्वासन पर पुतले फूंकने का कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। तो हमने पिछले दिनों मांग की थी मंत्री जी के ऊपर माफी मांगी, लेकिन मंत्री जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पिछले दिनों माफी न मांगने के बावजूद उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव गनोली जी के आदेशानुसार उत्तर भारत प्रमुख सतीश महाजन जी और हमारे हिमाचल के प्रभारी महाजन जी जिनके निर्देशानुसार हमने इनको एक समय दिया था कि 7 दिनों में माफी मांगे, लेकिन मंत्री जी का जो रवैया अभी निंदनीय रवैया है कि उन्होंने अभी तक भी माफी नहीं मांगी। आज जो हमारा पुतला जलने का कार्यक्रम था उसको हमने स्थगित नहीं किया, प्रशासन जी ने समझे स्थगित किया, लेकिन प्रशासन के कहने पर प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया कि ये जो प्रकरण चल रहा है इसको जल्दी ही सरकार के बीच में बैठ के सुलझा लिया जाएगा। अगर मैं पहले भी समय दे चुका हूं हमारे जो राष्ट्रीय प्रमुख आए थे उनकी तरफ से इस समय है और इसकी जो ड्यूटी है जो इसकी कार्यवाही के लिए उत्तर भारत प्रमुख श्री सतीश महाजन जी और हमारे हिमाचल के प्रभारी उनके जहां नियुक्ति की गई है कि वो आगे की देखरेख करेंगे। 10 दिन का समय जहां पर प्रशासन को और दिया जा रहा है, अगर 10 दिन के भीतर ये मामला नहीं सुलझाया गया तो पुतला तो जलेगा और अवश्य जलेगा, और वो भी मैं आपको बता दूं कि आपकी ही धर्मशाला में जलेगा।